तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले नायकरा एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक लॉन्चर एप्लीकेशन है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो मतलब फॉर्मेट अभी, मतलब जो मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है, जो फ़ोन का जो लॉन्चर है, वो अभी मतलब नायकरा लॉन्चर सेट कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपको आपके सामने जो नायकरा लॉन्चर वो आपके सामने सेट होता है, जहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आता है। कुछ आपको फेवरेट ऐप्स सेलेक्ट करने होंगे तो आपके होम स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपकी होम स्क्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डायरेक्टली चेक योर नोटिफिकेशन ऑफ होम स्क्रीन टीडी योर ऐप्स लिस्ट फाइंड ऐप क्विकर। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ जो आपके फेवरेट एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करना। और यहाँ पर जो अगर आपको और भी मतलब जो आप बाकी एप्लीकेशन आपको चाहिए होंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो मतलब सर्च इंजन जो भी आपके एप्लीकेशन आपने आपके फ़ोन में इंस्टॉल होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस तरीके से जो आपका लॉन्चर है वो वर्क करता है, उसकी लिंक मैंने पिन कमेंट्स में दे रखी है। वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए मैंने जो लिंक है वो पिन कमेंट्स में, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं कैसे मतलब इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। और डायरेक्टली जब भी आप एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐप मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट ऐप और यहाँ पर आपको नोवा ऐप सेटिंग और यहाँ पर जो नायकरा लॉन्चर नोवा 7 जो भी मतलब आपके फ़ोन में लॉन्चर वगैरह सिलेक्ट करेंगे मतलब इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे आपको डिफॉल्ट होम ऐप। यहाँ पर आप नायकरा लॉन्चर आप सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन है। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को आप कुछ मेरे फ़ोन की स्क्रीन जो कुछ इस तरीके से और यहाँ पर जब भी मैं नायकरा लॉन्चर के ऊपर सेलेक्ट करूँ तो मेरे सामने जो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। मेरी होम जो होम स्क्रीन है कुछ इस तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने अपनी सेक्शन में जारी की है और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सबसे पहले सब्सक्राइब के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर जो अनलॉक लिंक है वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आइकन हो तो यहाँ पर आपको गेट लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो मतलब लिंक है डायरेक्टली आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो मतलब एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।